सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब भाई? होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के बारे में, द रियलिटी बिहाइंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस। अब देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कॉलेज लेवल पर एंड पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल पर। एंड इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी आप ये प्रमोशंस देखते हो जो आजकल चल रहे हैं जोरों शोरों से, जिसके अंदर बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स है, इसके साथ साथ वो पैम्पलेट्स बांट रहे हैं जो सड़कें पूरी पूरी कागज से बिछ चुकी हैं, तो इसका एस्टिमेटेड बजट क्या होता होगा पर कैंडिडेट, यानी कि एक कैंडिडेट कितने रुपए खर्च करता होगा इस चीज़ के ऊपर। और जो मैं आपको एस्टिमेट देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, आप बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। अब चाहे आप डी यू के स्टूडेंट हैं, नहीं है, आपकी एज 18 साल है, चाहे आपकी एज 40 साल है, आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी इनसाइट्स आपको मिलने वाली है, काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, डीयू के जो इलेक्शंस है वो बेसिकली दो लेवल्स पर होते हैं। सबसे पहला लेवल है कॉलेज लेवल और दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा लेवल, राइट। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा देश है उसके अपने अलग इलेक्शंस हैं और जो अपने अलग अलग स्टेट्स होते हैं उनके अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। जो स्टेट्स होते हैं बेसिकली उनके एमएलए के लिए आपकी वोटिंग होती है एंड जो आपका पूरा कंट्री है उसमें एमपी के लिए आपकी वोटिंग्स होती है, राइट। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर पूरा का पूरा कंट्री है वो है दिल्ली सिटी, तो उसके जो स्टेट्स होंगे वो होंगे दिल्ली सिटी के अलग अलग कॉलेजेस। एक एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होता बट एक एग्जाम्पल है, राइट, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलेजेस की। तो देखिए, जितने भी कॉलेज हैं दिल्ली सिटी के अंदर उन सभी के अंदर अपने अपने अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। सभी कॉलेज के अंदर अपने अलग प्रेसिडेंट्स बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स बनते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं सब कॉलेज के अंदर। फॉर एग्जांपल हंसराज कॉलेज है, उसके अंदर 5,000 बच्चों की स्ट्रेंथ है। वो अपनी अपनी अलग अलग पार्टीज बनाते हैं, पैनल्स बनाते हैं, जैसे कि हंसराज कॉलेज के अंदर चेंज पैनल है, रेवोल्यूशन पैनल है, एक दो और भी पैनल्स हैं। तो वो सारे के सारे अपने अपने अलग अलग पैनल्स बनाते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट होते हैं और फिर उन्हें वो पोस्ट मिलती है। और जब स्टूडेंट्स इलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें कॉलेज के अंदर ही अपना एक पर्टिकुलर रूम भी दिया जाता है, जो कि स्टूडेंट यूनियन का रूम होता है। जो भी स्टूडेंट होते हैं यूनियन के अंदर वो वहाँ पर जाकर के बैठ सकते हैं, आराम से चिल कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया होता है। और देखिए, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी कॉलेज डेलिवर्सिटी के अंदर सभी के अंदर प्रेजिडेंट सेलेक्ट होता है कॉलेज के अंदर, कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पर जो हिंदू कॉलेज है वहां पर पार्लियामेंट होती है और वहां पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जो आपको उनका रूम दिखेगा वो भी लिखा होगा भाई प्रधानमंत्री कक्ष और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर्स रूम, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीज है, राइट। तो इस तरह से आपके जो इलेक्शंस है वो बेसिकली आपके होते हैं कॉलेज लेवल पर। और जो कॉलेज लेवल की जो पार्टीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती है हमारी देश की पार्टी से, बहुत बड़े लेवल पर कॉलेज के इलेक्शंस नहीं होते, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जरूर होता है बट इतना ज़्यादा लेवल पर, बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस नहीं होता जितने डूसू लेवल पर होता है। अब हम लोग बात करते हैं पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल पर। सो देखिए, हमारी कंट्री के अंदर कितनी सारी पार्टीज आपको बताई है, जिसके अंदर बीजेपी होगी सबसे बड़ी पार्टी है, इसके साथ साथ अगर आप बात करोगे तो कांग्रेस भी है, फिर आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर। तो ये जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो भाई कॉलेज के अंदर पार्टीज अपनी चला रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अब जो एबीवीपी है वो बीजेपी का ही एक पार्ट है। अगर मैं बात करूं आपके एनएसयूआई की, तो एनएसयूआई जो है वो कांग्रेस का एक पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक पार्टी आई है अभी कुछ सालों से ही, सीवाईएसएस। अब जो सीवाईएसएस पार्टी है वो बेसिकली आम आदमी पार्टी का एक पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आईसा नाम आपने सुना होगा, एसएफआई वगैरह आपने सुना होगा, तो ये लेफ्ट विंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। इसके अलावा कुछ और भी पार्टीज होती हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना पार्टी के भी इलेक्शंस लड़ते हैं, यानी कि जो निर्दलीय भी लड़ते हैं। आप पार्टी के साथ लड़ सकते हैं, बिना पार्टी के लड़ सकते हैं, वो आपकी पूरी पूरी चॉइस रहती है। जहां तक एलिजिबिलिटी वगैरह की बात है कि भी कौन स्टूडेंट इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता है, तो बहुत ही बेसिक से एलिजिबिलिटी होती है आपकी अटेंडेंस वगैरह को लेकर के। और अटेंडेंस मान लीजिए आपकी कम भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है भाई, काफ़ी ज़्यादा तामझाम यहाँ पर हो जाता है, झोलझाल यहाँ पर किया जा सकता है, बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब आता है सारा का सारा खेल कि किस तरह से आप जो प्रमोशन देखते हो, बैनर्स देखते हो, होर्डिंग्स देखते हो, इनका क्या मतलब है और किस तरह से प्रमोशन चलते हैं। तो देखिए, जहां तक बात है फर्स्ट स्टेप की, तो यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए 60-70 अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग लोग हैं, वो प्रमोशंस में लगे हुए हैं। अब मान लीजिए 10 लोग हैं वो एबीवीपी का प्रमोशन कर रहे हैं, 10 लोग जो है वो भाई मान लीजिए एनएसयूआई का प्रमोशन कर रहे हैं, 10 लोग सीवाईएसएस का प्रमोशन कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टीज का प्रमोशन करते रहते हैं। लेकिन जो पार्टी होती है वो टिकट देती है सिर्फ 4 पोस्ट पर ही, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या फिर आपका सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्हें तो 4 ही लोग लड़वाने हैं। लेकिन काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग प्रमोशंस करते रहते हैं। और फिर बारी आती है टिकट देने की, तो पार्टी देखती है जो आपकी इंडिया की पार्टी है, पूरी पूरी कंट्री लेवल पर पार्टीज हैं, नेशनल लेवल की पार्टीज,
तो फिर वो लोग ये देखते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन किन स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा किया है, या फिर आप बोल सकते हो कि जिनके लिंक्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं भाई पार्टीज़ के साथ, तो उनको भी टिकट मिलने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि 10 लोग प्रमोशन कर रहे हैं, 12 लोग प्रमोशन कर रहे हैं, उसके अंदर से किन 4 को हमें टिकट देनी चाहिए। तो लोग टॉप के जो 4 स्टूडेंट होते हैं उनको चूज़ कर लेते हैं, भाई इस स्टूडेंट को हम लोग प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए टिकट देंगे, इस स्टूडेंट को हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए देंगे, इसको हम लोग सेक्रेटरी के लिए, इसको हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो यहाँ पर फिर 4 जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट मिल जाती है, मान लीजिए बीजेपी की एबीवीपी से। अब 4 जो कैंडिडेट होंगे उनको टिकट मिल जाएगी कांग्रेस की एनएसयूआई से, 4 जो कैंडिडेट होंगे उनको टिकट मिल जाएगी भाई आम आदमी पार्टी की सीवाईएसएस से, 4 जो कैंडिडेट होंगे उनको आईसा की मिल जाएगी, एसएफआई, फिर जितनी पार्टीज हैं उन सभी से। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई टिकट नहीं मिलते तो वो निर्दलीय भी लड़ते हैं, यानी कि बिना पार्टी के भी वो इलेक्शंस लड़ते हैं। फिर वो लोग नॉमिनेशन अपना भरते हैं कि हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसके अंदर फिर उनके नॉमिनेशन जो है कन्फर्म हो जाते हैं। नॉमिनेशंस कन्फर्म होने के बाद फिर जो वोटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। जब वोट डलता है, अभी जो आपके वोट्स हैं डलने ही वाले एक दो दिन के अंदर अंदर ही, तो जब वोट्स आपके डलेंगे, आप जो वोट्स डालोगे तो वहां पर आपको दो अलग अलग तरह की चीज़ें दिखेंगी, एक होगा डूसू के लेवल पर और एक होगा आपके कॉलेज के लेवल पर। तो आपको दोनों ही सेलेक्ट करने होते हैं उस दिन कि भाई आप किसको वोट देना चाहते हैं, राइट। तो वोट्स डालते हो, फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं, कॉलेज लेवल के भी रिजल्ट आते हैं, आपके जो डूसू के लेवल है उसके भी रिजल्ट्स आते हैं, और उसके बाद वो लोग इलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब जिस तरह से कॉलेज के अंदर आपको एक ऑफिस दिया जा रहा है, एक रूम दिया जा रहा है, उसी तरह से डूसू लेवल पर भी अगर आप इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, जो भी आप बनते हैं, उसके बाद आपको भी एक पर्टिकुलर ऑफिस दिया जाता है जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर है, वो होता है आपके स्टूडेंट यूनियन का यूनियन का आपका पूरा ऑफिस, राइट। तो उसके अंदर सब लोग बैठते हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पार्टी से सब लोग बनेंगे या दूसरी पार्टी से सब लोग बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है प्रेसिडेंट किसी पार्टी से बन जाए, हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट किसी दूसरी पार्टी से बन जाए, और फिर लोग सब लोग एक साथ ही काम करते हैं, तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस साथ देखिए, अगर मैं बात करूं कि क्या कोई ऐसी पार्टी डेंसिटी के अंदर कि भाई जो हमेशा से बनती आ रही है वो कोई चेंज नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी एबीवीपी बनती है, कभी एनएसयूआई बनती है, तो अलग अलग पार्टी चलती रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी डेंसिटी के अंदर हमेशा से चली आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग पार्टीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी तक जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ रियलिटी ऑफ दिल्ली सिटी पॉलिटिक्स, अब इसमें क्या होने वाला है। सो देखिए, सबसे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये लोग जो इलेक्शंस लड़ते हैं तो ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, राइट। कि भाई आप इलेक्शंस लड़ रहे हो, इतने पैसे आप खर्च कर रहे हो, जितने आप पैम्पलेट बांट रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप इन पैसों को रिकवर कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले जब लोग इलेक्ट होते हैं तो ये लोग काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह भी करवाते हैं, तो स्पॉन्सरशिप्स वगैरह आती है, तो वो पैसा भी इनके पास आता है, कुछ पैसा लग भी जाता है, कुछ पैसा बच भी जाता है। इसके साथ साथ जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप हैं, तो आप जब भी अपनी फीस पे करते हो उस फीस के अंदर 20 रुपये, आप हमेशा देखना अपनी फीस स्लिप के अंदर चार्जेस कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है उसके अंदर से 20 रुपये आपके डूसू के फंड के लिए काटे जाते हैं, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के फंड के आपके 20 रुपये काट जाते हैं फीस के अंदर, राइट। वो जो आपके 20 रुपये होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स के मिला करके डूसू को दे दी जाते हैं। वो कितना फंड डूसू तक पहुंचता है, कितना नहीं पहुंचता है, मुझे नहीं पता, बट एक एस्टिमेट है कि मान लीजिए अगर 3 लाख बच्चे डेंसिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3 लाख बच्चे अगर 20 रुपये दे रहे हैं तो आपके हो जाते हैं 60 लाख रुपीज़, यानी कि 60 लाख रुपये। अब डूसू तो कितना पहुंचता है, कितना नहीं पहुंचता, मुझे नहीं पता है, बट एक एस्टिमेट है कि इतना रुपये शायद हो सकता है उन्हें मिलता हो, राइट। वो आपके फीस के अंदर से काट लिया जाता है, जैसे आप एडमिशन फीस पे करते हो 20 रुपये पर स्टूडेंट ये काटा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि भाई बात है आपकी 2016 से 2017 की, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर पावर में थी दिल्ली सिटी के अंदर, उन्होंने जो अपना बजट पेश किया कि हम लोगों ने कहां कहां पर अपने खर्चे किए हैं, कहां कहां पर बजट एलोकेट किया है, तो बहुत ही ज्यादा एक मतलब फनी चीज है कि भाई 22 लाख रुपए, फनी नहीं मतलब आप बोल सकते हो कि अलग अजीब चीज है कि 22 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने चाय कॉफी के अंदर उड़ा दिए थे। वो बजट के अंदर लिखा हुआ था, जो कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख भी रहा होगा, काफ़ी सारे न्यूज़ मीडिया ने भी पब्लिश किया था, और उनके जो उन्होंने खुद ने जो बजट एलोकेट किया था उसके अंदर जो लिस्ट थी वो भी यहाँ पर दिख रही होगी आपको, राइट। तो भाई 22 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ चाय कॉफी के ऊपर उड़ा दिए गए। तो सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, जो भी आता है तो आपको इसी तरह के कुछ ना कुछ बजट से यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि भाई हम लोग ऑफिस के अंदर चाय पी रहे हैं, एक साल के अंदर 22 लाख रुपए की चाय पी ली। ऑलराइट, राइट। एंड इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो अगर मैं बात करूँ कि 2018 के बारे में, राइट, हाँ, तो 2018 के अंदर जो प्रेसिडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसकी जो डिग्रीज थी वो फेक मिल गई थी। तो भाई इस तरह से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं कि भाई अपनी फेक डिग्री या कुछ भी हो आ जाते हैं, बाद में उन्हें हटा दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट भी बन गया था, देन उसके बाद डिग्री फेक मिली, उसको हटा दिया गया, फिर जो वाइस प्रेसिडेंट था उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें भी अक्सर आपको देखने को मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर।
और देखिए उनका पूरा इंटरव्यू भी है कि भाई जब न्यूज़ चैनल से पूछ रहे हैं, आज तक पूछ रहे हैं कि भाई आपने कहाँ से पढ़ाई की, तो बोल रहे हैं मैंने तो साउथ इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। बोले अच्छा टीचर्स का क्या नाम था, तो बोले टीचर्स का नाम भी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं काफ़ी सारी जो आप न्यूज़ आपको जो यूट्यूब पर मिल ही जाएंगी। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो मेन चीज़ क्या है इनके इलेक्ट होने की, ये क्यों इलेक्ट होना चाहते हैं, वो ये है कि भाई इनको अपना बेस बनाना होता है अपने फर्दर पॉलिटिकल करियर को लेकर के। अब मान लीजिए अगर अभी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उसके डायरेक्ट लिंक्स जो होंगे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उनके मेन लीडर्स के साथ डायरेक्टली हो जाते हैं। फिर आगे चलकर हो सकता है काफ़ी बढ़िया लिंक्स बन जाए और उसके बाद हो सकता है किसी को एमएलए की टिकट मिल जाए, फिर हो सकता है 8-10 साल के बाद बहुत बढ़िया लिंक बने और किसी को एमपी की भी टिकट मिल जाए। तो इस तरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और यही मेन चीज़ होती है कि ये लोग इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ पैसे कमाने की तो देखो पैसा भाई ये लोग जितना उड़ाते हैं अपने प्रमोशंस के अंदर, हो सकता है उतना ये लोग पैसा रिकवर ना कर पाते हो, लेकिन हाँ ये लोग इलेक्ट इसलिए होते हैं कि इनको अपना पॉलिटिकल करियर एस्टेब्लिश करना होता है। तो एक बेस होता है कि अगर आप अभी बन जाते हो कुछ ना कुछ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लिंक्स आपके बन जाते हैं। तो ये इनका मेन मुद्दा होता है। और हाँ अगर बात आई है मुद्दे की ही तो हम बात करते हैं इनके फिर प्रोमिसेस क्या होते हैं, मुद्दे क्या होते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ खासकर डीयू के इलेक्शंस की तो इनके प्रोमिसेस बहुत ही बेसिक होते हैं जो हर बार ही होते हैं कि वाटर कूलर लगवा देंगे या फिर स्ट्रीट लाइट्स बढ़वा देंगे या फिर हॉस्टल की फीस हाइक नहीं होने देंगे, कॉलेज की फीस हाइक नहीं होने देंगे, गर्ल्स सेफ्टी पर हम लोग ध्यान रख देंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बट अगर आप कोई भी हिस्ट्री उठा कर देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी इस तरह के मुद्दे पूरे हो पाते हैं। एक तो क्या पता कर भी देते हो बट बहुत रेयर है, बहुत ही ज़्यादा राइट। लेकिन हाँ ये लोग इस तरह के मुद्दे ज़रूर उठाते हैं हर बार ही। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो प्रमोशंस होते हैं इनके अंदर कितना पैसा खर्च होता होगा, जो आप अक्सर अभी देख रहे हो कि भाई इतने सारे पैम्पलेट पूरी सड़कें दिख ही नहीं रही है, सड़कों पर से वो सिर्फ कागज़ ही दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर कितना पैसा खर्च होता होगा, और आपने अक्सर देखा होगा भाई अभी काफ़ी सारे मैं देख रहा था वीडियोज़ रील्स आ रही थी तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो भाई रोल्स रॉयस के अंदर आ रहे हैं, मतलब रोल्स रॉयस आगे चल रही है, पीछे भाई रेंज रोवर चल रही है, दूसरी ओर गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इतना ज़्यादा पैसा इनके पास होता है और मतलब बहुत ही अनलिमिटेड होता है भाई। और ये लोग वही होते हैं जो पहले से ही भाई इनकी बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, पेरेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी पहले से ही पॉलिटिकल करियर उनका होता है, तो वही लोग यहाँ पर आगे आ पाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि कितना पैसा खर्च होता होगा पर कैंडिडेट, कितने पैसे खर्च करते होंगे, तो देखिए कितने सारे पोस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ दिल्ली सिटी के अंदर नहीं बल्कि अगर आप दिल्ली से थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे आउटर एरिया के अंदर भी तो वहाँ पर भी आपको पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इतने सारे बैनर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, और जितने भी आप ये होर्डिंग्स देखते हो भाई इनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं 40,000-40,000 रुपये, 50,000 रुपये कुछ दिनों के लिए ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो भाई इनके पास मैन पावर है, मसल पावर है, तो जितने भी लोग होते हैं उनको सबको एक फ्लैट में रुकवाते हैं, दूसरे फ्लैट में रुकवाते हैं, स्टूडेंट्स को लेकर के जाते हैं वाटर पार्क घुमाने के लिए कि आप हमें वोट दीजिए हम लोग आपको वाटर पार्क लेकर के जाएंगे। तो काफ़ी सारे काम इनको करने होते हैं। और अगर मैं एक एस्टिमेट आपको दूँ आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि अगर डूसू के लेवल पर मैं आपको एस्टिमेट दूँ कि एक कैंडिडेट कितने पैसे खर्च करता होगा तो वो एस्टिमेट आता है लगभग 1 करोड़ के आसपास। आपने बिल्कुल ठीक सुना, इतना खर्चा लगभग एक कैंडिडेट करता है। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, किस तरह से प्रमोशन चल रहे होते हैं, तो अलग अलग पार्टीज होते हैं। बट हाँ इसके अंदर जैसे आईसा पार्टी है तो उसके बैनर्स वगैरह आपको इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, उसे थोड़े से कम ही बैनर्स आपको देखने को मिलते हैं। बट जो बाकी पार्टीज हैं उनके आपको काफ़ी बड़े बड़े लेवल पर बैनर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई लगभग मुझे लगता है कि लगभग 1 करोड़ रुपये जो है वो पर कैंडिडेट खर्च कर देते होंगे, इसमें बिल्कुल भी शक वाली बात नहीं है राइट। और इसी साथ साथ देखिए अभी बहुत सारी वीडियोस और भी आ रही हैं जिसके अंदर भी स्टूडेंट्स को एक दूसरे को मार रहे हैं, एक पार्टी वाले दूसरे वाले को मार रहे हैं। अभी कल ही की वीडियो जो मैंने देखी एक इंस्टाग्राम पर ही, आई गेस रामजस कॉलेज था, और उसके अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा डंडे वंडे बजाए जा रहे थे, फट्टे वट्टे मारे थे दूसरे को। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको अक्सर दिल्ली सिटी के इलेक्शन के अंदर देखने को मिलती ही मिलती है। और आपको एक आप बोल सकते हो कि यार एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन एक लोग फेस्टिवल की तरह भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट हाँ नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। तो इस तरह की चीज़ें हैं काफ़ी सारी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम लोग एक आम इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली है, क्या हम पॉलिटिक्स के अंदर आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो देखिए अगर मैं आपको एक आइडियलिस्टिक बात कहूँ तो हाँ भाई आ सकते हो आप, डेफिनेटली आप भी इलेक्ट हो सकते हो, आप पॉपुलर हो सकते हो। बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ये तो थोड़ी आइडियलिस्टिक बात, अगर मैं रियलिटी आपको बताऊँ तो बहुत मुश्किल है। ये जो आपके चांसेस होंगे ये होंगे सपोज 0.001% की अगर आप अपने आप इलेक्शंस के अंदर आना चाहते हो, आपके पास कोई बैक नहीं है, आपके पास कोई पैसे नहीं है भाई, मसल पावर नहीं है, मनी पावर नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो भाई बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ जेएनयू की तो वहाँ पर क्या होता है कि डिबेट होती है, दो लोग आपस में बैठ करके बातें करते हैं, बहस करते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी उन्हें देख रही होती है, फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डिसाइड करते हैं किसे वोट देना है किसे नहीं देना है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं है, कोई डिबेट किसी तरह की नहीं होती है। यहाँ पर भाई
जो दिखेगा वही बिकेगा, जिसके पोस्टर्स ज़्यादा है, जिसके बैनर्स ज़्यादा है, स्टूडेंट्स के माइंड में जिसका बार बार नाम आता जा रहा है, दिखता जा रहा है, तो उसको वोट्स दे देते हैं। तो यही एक फंडा रहता है। और मैं बात करूँ वोटिंग परसेंटेज की भी, तो वोटिंग परसेंटेज की जहाँ तक बात है, 2018 के अंदर 44.4% के आसपास समथिंग वोटिंग परसेंटेज थी, जिसके अंदर लगभग 130,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने वोट किया था, और वो आज तक का हाईएस्ट नंबर था। मतलब आई गेस उससे हाईएस्ट हो सकता है पिछले कुछ सालों के अंदर हुआ, बट अब तक का 2018 के अंदर ये हाईएस्ट था उस वक्त, न्यूज़ आई थी, राइट। तो वोटिंग परसेंटेज आपकी 40% के आसपास ही यहाँ पर डेलिंग स्टूडेंट के अंदर आपको देखने को मिलती है। और अगर आप एक आम आदमी है, अगर आप एक कॉमन मैन है, तो भाई आपके बस की नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर सके, आपके बस की नहीं है कि आप लोग 1,000 लोगों को खड़ा कर सके, लड़ाई करवा सके, दंगे करवा सके, डंडे वंडे बजा सको, इतने सारे पैम्पलेट्स बांट सको, पोस्टर्स लगवा सको। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं ऐसे कुछ आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट ये फैक्ट है डेलिंग स्टूडेंट के इलेक्शन का, कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन नहीं कर सकता है। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, जो इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों को देख करके, काफ़ी ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक थॉट्स उनके दिमाग के अंदर आते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, ये हो रहा है, हम भी ऐसे करेंगे, वो करेंगे। तो इतना आसान काम नहीं है, राइट। अगर आप एक मिडिल क्लास है, अगर आप पता नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ ये, अगर भाई आपको लगता है कि आप डेलिंग स्टूडेंट के अंदर आए हैं, तो भाई अगर आप एक मिडिल क्लास है, तो भाई पॉलिटिक्स के अंदर आपका करियर बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इससे ज़्यादा बढ़िया होगा आप पढ़ाई पे ध्यान दें, वो मेरा सलाह रहेगी। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई आइडियलिस्ट की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, बट ये फैक्ट्स है कि भाई इतने पैसे आप नहीं खर्च कर पाओगे, इतने मसल पावर, मनी पावर, ये सब कैसे, कहाँ से आप लेकर आ पाओगे। वो जो डेलिंग का ट्रेंड रहा है कि भाई इसी तरह के इलेक्शंस होंगे, इसी तरह से प्रमोशंस होंगे, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे कि भाई आप डिबेट करवाओ, आप ये करो, वो करो, वो चेंज हो ही नहीं सकता। अगर वो चेंज होगा आने वाले कुछ 20-25 सालों के अंदर, तो हो सकता है आपके चांसेस हो, बट अभी तो आपके कोई चांस नहीं है। तो मेरे दोस्त, अगर आप हमारी तरह ही हैं, तो आप पढ़ाई वढ़ाई ध्यान दो और काफ़ी मस्त रहो, ठीक है। सो ये था डेलिंग स्टूडेंट के इलेक्शन के बारे में। आई गेस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी। अगर आपको वीडियो सही लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।